हेलो एवरीवन, दिस इज तुलेन सिंह। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में दो लेक्चर पहले कवर कर चुका है, ये हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है। ठीक है, तो अब हम परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो परमिटिविटी होता क्या है? हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि हमारे पास मान लीजिए दो चार्जेस हैं, जैसे इन दोनों को दो चार्ज मानेंगे, ये है Q1 और ये Q2। इनके बीच की डिस्टेंस है r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r। ठीक है, हमने वहाँ पे देखा था कि F इन दोनों के बीच में F होगा कुछ, मतलब फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, तो उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, मतलब वो आएगा लगभग Q1 Q2 r² के बराबर, देखा था हमने। हाँ, हमने यहाँ तक देखा था। अब हम देखेंगे कि ये K क्या होता है। ठीक है, तो K की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पे 1/4πε। अब हमारे पास ये नया आता है एप्साइलन क्या है। ठीक है, ये एप्साइलन है क्या, तो हम देखेंगे कि ये एप्साइलन है, इसी को हम परमिटिविटी बोलते हैं। इस एप्साइलन को ही हम परमिटिविटी बोलते हैं, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्साइलन, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम और जानेंगे इसमें। देखिए, ये हमारा अगर हम फॉर्मूला में देखें तो K की वैल्यू 1/4πε है, मतलब यहाँ पे कुछ एप्साइलन आएगा। देखिए, F और R आपस में इन्वर्स हो रहे हैं, तो मतलब अगर ये हमारा जो परमिटिविटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। नाम ऐसा दिया गया है परमिटिविटी, मतलब परमिट करता होगा, लेकिन इसका अपोजिट हो रहा है। ये परमिट करता है लेकिन अपने फील्ड्स को ही परमिट करता है कि फोर्स घटा दें। ये हम इसके डिफिनीसन से अच्छे से समझ पाएंगे। इसका डिफिनीसन होता है इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये अपने ही फील्ड को परमिट करता है कि तुम जाओ और जो फील्ड इंटरेक्शन फील्ड मतलब फोर्स है उसके बीच में, उसको कम कर दो। ठीक है, फील आया नहीं आया तो आगे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो क्यू हैं, सॉरी चार्ज हैं, ये एक प्लस क्यू है, ये भी एक प्लस क्यू है, इनके बीच में कुछ फोर्स होगी। अभी अट्रैक्टिव रिपल्सन के बारे में नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए कोई फोर्स होगी यहाँ पे हमारा एप्साइलन अगर होगा तो वो क्या कहेगा कि अपने फील्ड्स को भेजेगा इस इन दोनों के फोर्स में और बोलेगा कि इस फील्ड को कमज़ोर करो। ठीक है, तो ये जो इसके फील्ड्स होंगे वो कमज़ोर करेंगे फोर्स को। आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए, इससे हमें रिज़ल्ट क्या मिला। रिज़ल्ट में हमें ये मिलता है कि हमारा जो ये एप्साइलन है ये अगर बढ़ता है, मतलब ये एप्साइलन अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए और यहाँ पे कुछ आ गए, तो जो फोर्स होगा हमारा वो घटेगा, और जस्ट अपोजिट अगर फोर्स बढ़ेगा तो एप्साइलन घटेगा, है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए कि ये एप्साइलन है, ये कब मिनिमम होगा, एकदम कम कब होगा, तो ये होगा मिनिमम फॉर वैक्यूम में ये मिनिमम होगा। वैक्यूम को हम फ्री स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हवा नहीं हो, एकदम खाली हो, उसको वैक्यूम कहते हैं। इतना तो बेसिक पता ही होगा आपको। अब देखिए, हम एप्साइलन, इसी को हम एप्साइलन नॉट भी बोलते हैं। अगर किसी भी एप्साइलन अगर हो किसी भी फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, होता नहीं है लेकिन अगर मान लीजिए, तो उसको ई नॉट बोलते हैं। ठीक है, अब एफ अगर हमारे पास है तो एफ, या अगर हम वैक्यूम में फोर्स होगा तो वैक्यूम में फोर्स हमें पता है मैक्सिमम फॉर वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, और वैक्यूम को फ्री स्पेस भी कहते हैं, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैक्सिमम क्यों होगा, देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ अभी पढ़ा है कि अगर हमारा परमिटिविटी बढ़ेगा तो हमारा फोर्स घटेगा, तो यहाँ पे देखिए परमिटिविटी एकदम नहीं है, ना के बराबर है, तो मैक्सिमम तो फोर्स होगा यहीं पे ना फोर्स मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब आगे देखेंगे, परमिटिविटी अगर किसी मीडियम में है, किसी भी मीडियम में, तो वो ज़्यादा बड़ी होगी अगर परमिटिविटी हम वैक्यूम में रखेंगे। तो वैक्यूम वाली परमिटिविटी सबसे कम होती है, चाहे हम यहाँ पे मीडियम कुछ भी रख लें।
अब जस्ट अपोजिट होता है हमारे फोर्स के साथ भी। फोर्स में क्या होता है कि हम अगर इसको किसी मीडियम में रख दें, फोर्स को किसी मीडियम में रख दें, तो ये हमेशा लेस लेस देन होगा एफ नॉट के। मतलब अगर वैक्यूम में रखेंगे तो हमेशा ये वैक्यूम वाला ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू किसी भी मीडियम में रखते हैं, किसी भी एयर वाटर कहीं पे भी फोर्स रखें तो ज़्यादा बड़ा होगा, सॉरी ज़्यादा छोटा होगा एफ नॉट से। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास ई नॉट आया है, ये ई नॉट हमारे पास आया है, ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट पाया जाता है हमारे फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 × 10 to the power -12, और इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट वो होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है इसकी यूनिट एप्सिलन की यूनिट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, उसके बीच में जो फोर्स डिस्टेंस है वो R है, और उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगी, तो फोर्स का हमने फॉर्मूला कूलम लॉ में पढ़ चुका है। कूलम लॉ में क्या था कि F = kQ1 Q2 / r2। अब हमारे पास यहाँ पे K को भी डिफाइन कर दिया गया है, तो K को डिफाइन करेंगे तो K = 1/4πε, और एप्साइलन को ही यहाँ पे परमिटिविटी कहा गया है। अब ये परमिट करता है अपने ही फील्ड को कि ये जो फोर्स है उसको कम करे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया भी है, दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कुछ फोर्स है, ये परमिटिविटी है, ये कुछ इस तरह की है, ये फोर्स के बीच में आती है, फोर्स को कम कर देती है। तो यहाँ पे देखिए अगर परमिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी तो फोर्स सबसे कम होगा, ठीक है, तो इनवर्स हैं एक दूसरे के, ऐसा समझ लीजिए आप। अब ये हमारे पास अगर हम परमिटिविटी को देखें कर कहाँ पे मिनिमम होता है, तो परमिटिविटी हमारा वैक्यूम में या फ्री स्पेस में मिनिमम होता है, इसको हम ई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा F जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो हमने यहाँ पे देख चुका है कि अगर E बढ़ेगा तो F घटेगा, यहाँ पे E एकदम जीरो है तो जो F होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फॉर वैक्यूम, तो यहाँ पे परमिटिविटी अगर हम मीडियम में रखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा होगा E नॉट से, परमिटिविटी अगर वैक्यूम में रखा होगा तो उससे तो बड़ा ही होगा जो किसी मीडियम में रखा होगा तो, और अगर फोर्स मीडियम में रखा है वो छोटा होगा अगर हमारा फोर्स वैक्यूम में है तो, ठीक। तो फ्री स्पेस में हमारा जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्री स्पेस में एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होती है, और इससे अगर ज़्यादा हुई तो वो दूसरे किसी मीडियम पे रखा हुआ है। अब देखेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब आइए जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो हमें इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला देखते हैं। ई आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी = EM मतलब परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम ई नॉट। तो मैं यहाँ पे ई नॉट ही कहूँगा क्योंकि बार बार परमिटिविटी बोलने में बहुत टाइम लगता है, तो आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा। अब ई आर यहाँ पे क्वेश्चन एक देखते हैं। ई आर ऑफ वाटर इज 81 मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर का 81। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे कि हमारा वाटर का परमिटिविटी कितना होगा, ठीक है। तो मतलब हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी पता है, मीडियम निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है। तो ई आर हम रख देते हैं यहाँ पे 81 इक्वल्स टू ई एम अपॉन ई नॉट, और हमें ई एम की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ई नॉट को उधर भेज देंगे। तो ई एम हमारा क्या है, ई एम, एम मतलब मीडियम, मीडियम वाटर है, तो ई डब्ल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो ई डब्ल्यू इक्वल्स टू 81 इंटू ई नॉट, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमारा रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज़ 81 दिया हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो अब परमिटिविटी इन वाटर हमें निकालना है, परमिटिविटी इन मीडियम हमें निकालना है, तो मीडियम हमारा वाटर है, तो परमिटिविटी इन वाटर इक्वल्स टू 81, यहाँ पे 81 दिया है, और ये ई नॉट उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 इंटू ई नॉट, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आइए एक आध दो और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ई आर ऑफ ग्लास इज 7। अब हमारा ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 7 है, तो ई आर का फॉर्मूला हमें पता है, ई आर इक्वल्स टू
ई एम अपॉन ई नॉट। तो ई आर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई आर हमें सेवन दिया हुआ है, सेवन इक्वल टू ई एम, एम क्या है मीडियम क्या है हमारा ग्लास है, तो ई जी यहाँ पे लिखेंगे ग्लास, और यहाँ पे ई नॉट। अब हमें परमिटिविटी ग्लास का निकालना है, तो ई जी इक्वल्स टू सेवन इंटू ई नॉट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं, ई आर ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हमारा लिक्विड है, तो उस लिक्विड का जो ई आर है मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है वो आठ है, एट है। तो अब इसमें फॉर्मूले में रख देंगे ई आर की जगह एट इक्वल्स टू, और ई एम की जगह ई एल क्योंकि लिक्विड है, तो ई एल अपॉन ई नॉट। अब ई एल निकालना है, तो ई एल इक्वल्स टू एट इंटू ई नॉट, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का प्रूफ। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देख एक रखते हैं एफ नॉट, और यहाँ पे रखते हैं एफ एम, मतलब एफ एम कोई भी मीडियम में है फोर्स, ठीक है। तो वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे एफ था एप्साइलन था, यहाँ नॉट लग गया था, यहाँ पे भी नॉट, और आगे का वही रहेगा क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखेंगे ये होगा वन बाई फोर पाई एप्साइलन मीडियम, और यहाँ पे क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वही आ जाएगा, ठीक है। आप फिर से समझ लीजिए, एफ है यहाँ पे, तो एफ नॉट अगर हम रखेंगे मतलब किसी वैक्यूम में रखेंगे, तो उसका के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, के की वैल्यू हमें ये दी हुई है वन बाई फोर पाई एप्साइलन, यहाँ पे नॉट लगा है तो एप्साइलन में भी नॉट लगाएंगे, इतना बेसिक पता ही होगा। देखिए ई एम में भी सेम ऐसा ही किया है, के की वैल्यू ये है, सॉरी एफ एम में ऐसा ही किया है, के की वैल्यू यही है, और ए के जगह यहाँ पे हमने ई एम रखा है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम डिवाइड करते हैं इन दोनों को, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हम रिज़ल्ट पे देखते हैं, वन बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही करेंगे वन बाई फोर पाई, यहाँ पे एम है तो ई एम इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पास से फोर पाई से फोर पाई कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ई नॉट, ई नॉट अपॉन ई एम, सो सेम यही हमारा है ई आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ही हमारा है ई नॉट अपॉन ई एम, हैंस प्रूव्ड। तो हमने इसका प्रूफ भी देख लिया है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक चार्ज है क्यू वन, यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू टू, इसके बीच में डिस्टेंस है डी मान लेते हैं इसको, और ये वैक्यूम में रखा हुआ है, तो इसका फोर्स एफ है, मैक्सिमम है मान लीजिए तो एफ ही रखेंगे। अब एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू वन उसी तरह का एक और चार्ज है, क्यू टू उसी तरह का है, बीच में डिस्टेंस है हमारा डी, और इसको हमने लिक्विड में रख दिया। लिक्विड में क्या होता है कि हमारा मीडियम चेंज होता है, तो उसमें फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो ये एफ अपॉन फोर रख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है, फाइंड करना है व्हाट इज ई आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, एल आई क्यू आई टी, ठीक। तो अब सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन कैसे देखिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब एफ नॉट, एफ नॉट हमारा वैक्यूम में एफ के बराबर है, ये एफ नॉट मतलब वैक्यूम, तो ये एफ के बराबर है, ठीक है। और एफ हमारा बराबर है वन बाई फोर पाई, यहाँ फोर पाई एप्साइलन नॉट, और इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर की जगह हमें यहाँ पे फार्मूला में डी दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमने ये जो ऊपर यहाँ पे फार्मूला लगाया था यही वाला फार्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अब एफ नॉट का होगा, एफ एम का देखते हैं, फोर्स इन मीडियम, तो मीडियम हमें लिक्विड दिया तो एफ एल लिख लेते हैं, तो एफ एल इज इक्वल टू एफ अपॉन फोर, ये एफ अपॉन फोर दिया गया है हमें, एफ अपॉन फोर
तो ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्साइलन एल, और ये मल्टीप्लाई Q1 Q2 बाई R² ठीक है, ये Q है, Q1 Q2 बाई R² आगे आइए, आगे देखेंगे यहाँ पे F0 अपॉन FM, हमने पीछे देखा था इनकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट और इनटू Q1 Q2 बाई R², और इसकी जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्साइलन m, मीडियम है तो m, इनटू Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R² कट जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, हमारे पास आएगा F0 अपॉन FM इक्वल्स टू E0 अपॉन EM। तो E0 EM क्या होता है हमारा, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ER, यही हमें फाइंड करना था, तो आइए फाइंड कर लेते हैं। F0 अपॉन FM इक्वल्स टू ER। अब हमें देखिए इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, एफ नॉट की वैल्यू है F और FM की वैल्यू है F/4, ये बराबर है ER के। F से F कट गया, ये जब हमारा ऊपर जाएगा तो ER की वैल्यू आएगी 4। तो हमारा है, हमारे आंसर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इज 4। ठीक है, तो समझ में आ गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।